दोस्तों 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का स्वागत है आपके चहेते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज का हमारा विषय है उदासीनता। उदासीनता हृदय का ऐसा भाव है जहां हमें किसी बात में रुचि नहीं रहती, हम कोई कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं होते। उदासीनता जब एक सीमा से बढ़ जाती है तो मन का रोग बन जाती है, मनुष्य जीवन से अधिक मृत्यु को पसंद करने लगता है। हम सब जीवन में कभी ना कभी उदासीनता का अनुभव अवश्य करते हैं। मन निराशा से भर जाता है और हम कार्य का त्याग कर बैठते हैं। अधिकतर हमारी उदासीनता कुछ समय के लिए ही होती है, इसलिए उससे होने वाली हानि को हम पहचान नहीं पाते। किंतु उदासीनता धीरे धीरे आदत का रूप धारण कर लेती है और हम बार बार उदासीनता के कारण हाथ में लिए कार्य अधूरे छोड़ देते हैं। क्या हमारे सबके साथ ऐसा नहीं होता? तो वास्तव में उदासीनता क्या है, इसका जन्म कहां से होता है, इससे छूटने का उपाय क्या है, विचार करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप सुनिए ये तीन गाने और बने रहिए हमारे साथ 92.7 बिग एफएम पर, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ इस नए प्रोग्राम अर्थ में। 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहेते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। हम विचार कर रहे थे उदासीनता के बारे में। उदासीनता वास्तव में मन की ऐसी स्थिति का नाम है जब हमें अपनी तकलीफों, अपनी कठिनाइयों का कारण बाहर दिखाई देता है। हम कहते हैं कि समाज बुरा है, नौकर या स्वामी गलत है, पति या पत्नी का बर्ताव अनुचित है, जीवन की परिस्थितियां प्रतिकूल है, वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा, वगैरह वगैरह। और जब दुख का कारण बाहर होता है तो उसको बदलने का हमारे पास कोई मार्ग नहीं होता। क्या ये सत्य नहीं? हम समय को किस प्रकार बदल सकते हैं, परिस्थितियों में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं हम? अर्थात हम स्वयं को निस्सहाय मानने लगते हैं और वहीं से उदासीनता का जन्म होता है। क्या ये सत्य नहीं? प्रश्न ये है कि क्या हमारी सारी विपदाओं का कारण बाहर है या स्वयं हमारे भीतर है? विचार करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप सुनिए कुछ गाने, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। हम सुन रहे हैं अर्थ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहेते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। हम विचार कर रहे थे कि क्या हमारी सारी विपत्तियां, हमारे बुरे हालात क्या दूसरों के कारण हैं? क्या हमारा परिवार हमारा शत्रु है? क्या समाज दुश्मन है? या हमारी परिस्थितियां हम स्वयं निर्मित करते हैं? विचार कीजिए, पतझड़ में पत्ते गिरा देने वाली ठंड क्या वृक्ष के साथ दुश्मनी कर रही है? नहीं, ऋतु चक्र तो अपना कार्य करता है, उसे पेड़ के साथ ना दुश्मनी है ना दोस्ती। ऋतु चक्र के अनुकूल हो जाना वृक्ष का कर्तव्य है। ठीक वैसे ही समाज कभी किसी व्यक्ति का ना मित्र होता है ना शत्रु। समाज को जिससे लाभ मिलता है समाज उसका मित्र बन जाता है। अर्थात समाज प्रतिकूल तब बनता है जब हम समाज के प्रतिकूल बनते हैं। इस विषय पर और चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे इस नए शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चहेते शो अर्थ में। आज का ये कार्यक्रम अपने अंतिम चरण पर है। हम बात कर रहे थे उदासीनता की। हमने बात की कि समाज प्रतिकूल तब बनता है जब हम समाज के प्रतिकूल बनते हैं। वैसा ही व्यक्तियों के बीच में भी होता है। हम जिसे प्रेम करते हैं वो हमें प्रेम देता है, हम जिसे लाभ देते हैं वो हमें लाभ देता है। हमारे हालात बदलने के लिए हमें स्वयं अपने आप में परिवर्तन करना पड़ता है।
इतना समझ लेने पर स्वयं में परिवर्तन करना कठिन नहीं, अर्थात जीवन में उदासीनता का कोई कारण ही नहीं, केवल अपने आप में परिवर्तन करना पर्याप्त है। अवश्य विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा और सुनते रहिएगा अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। अर्थ पर आज हमने बात की उदासीनता की, तो आज कही बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए। मैं सौरभ राज जैन सोमवार को फिर लौटूंगा आपके इस चहीते शो अर्थ में, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।